एसडीएम ज्योति मौर्य के केस में एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई। इस अपडेट के आने के बाद से पूरे देश में यह खबर बहुत तेजी से वायरल होने लगी है। जी हाँ, बता दें आपको कि एसडीएम ज्योति मौर्य के जो बॉयफ्रेंड है, जिनका नाम मनीष दुबे है, जिनके ऊपर विभागीय जांच में उन्हें दोषी पाया गया है, खबर यह वायरल हो रही है कि उनको हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद उनकी मौत हो गई। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही। इस खबर के आने के बाद से ही खबर एक भी और भी वायरल होने लगी है कि अब बहुत ही जल्द एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा और इस शिकंजे के पीछे सीबीआई और ईडी दोनों होंगे। तो आखिर क्या है पूरी खबर, आखिर कैसे एसडीएम ज्योति मौर्य के बॉयफ्रेंड मनीष दुबे की हुई मृत्यु, जानेंगे हम इस वीडियो में डिटेल से एक एक करके। लेकिन उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दरअसल बता दें कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का लफड़ा काफ़ी दिनों से न्यूज़ में छाया हुआ था। इसके बीच मनीष दुबे की एंट्री होती है। पता चलता है कि दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच जो विवाद है, उस विवाद का मेन जड़ ही मनीष दुबे हैं। और जब मनीष दुबे हैं तो मनीष दुबे के ऊपर भी कार्यवाही शुरू की गई। बताया जा रहा है कि जब मनीष दुबे के ऊपर कार्यवाही शुरू की गई तो विभागीय जाँच में मनीष दुबे दोषी पाए गए। मतलब कि ये बात सच निकली कि मनीष दुबे ने गड़बड़ी बहुत हद तक की। इसके बाद उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। अब आपको पता है कि जब एक व्यक्ति की जॉब चली जाए, वो भी एक अच्छे पद की, और इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया जाए और उन्हें दोषी भी पाया जाए और फिर उन्हें न्यायालय में घसीटा भी जाए और जिसके ऊपर सजा होने की जो सुई है वो लटक रही हो, तो उसे कैसा लगेगा। इन्हीं सब चीज़ों के बीच सुबह एक न्यूज़ वायरल हो रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि मनीष दुबे को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी चीज़ों के बीच अब एक दूसरी न्यूज़ वायरल हो रही है कि मनीष दुबे को गिरफ्तारी के बाद हार्ट अटैक आया और जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि हमारी टीम इस खबर की पूरी जाँच पड़ताल कर रही है, इस खबर की एक एक डिटेल निकाल रही है कि आखिर जब उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई तो कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई। यह खबर अभी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं है, सबसे पहले आप तक हमारी टीम पहुँचा रही है। और इस खबर की जो पूरी जानकारी, जो पूरी सच्चाई है, वह भी हमारी टीम आपके पास बहुत ही जल्द पहुंचाएगी। लेकिन जो खबर आ रही है वह बेहद ही चौंकाने वाली है। इस खबर के आने के बाद से एसडीएम ज्योति मौर्य का जो केस है एक बार फिर से लाइफलाइन में आ गया है। बताया जा रहा है कि अब मनीष दुबे के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के ऊपर भी शिकंजा कसा जाएगा, क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ मिली हुई थी और जब मनीष दुबे बहुत सारे प्रकरण में दोषी पाए गए हैं तो यह कैसे हो सकता है कि उनकी गर्लफ्रेंड एसडीएम ज्योति मौर्य इस प्रकरण से दूर हों। क्योंकि मनीष दुबे और उनकी गर्लफ्रेंड एसडीएम ज्योति मौर्य के बीच जो संबंध है वह काफ़ी दिनों से है, तो आखिर यह कैसे हो सकता है। ऐसा कई बार इतिहास में देखा गया है कि जब दो बड़े ऑफिसर होते हैं संबंध में तो एक ऑफिसर अगर घोटाला करता है तो दूसरा ऑफिसर भी उसमें उनका साथ देता है ताकि घोटाला और बड़ा हो सके और पैसा दोनों में बांटा जा सके। तो पूरी संभावना है या पूरी रणनीति है, पूरी कह सकते हैं हम कि पूरी की पूरी कहानी सही साबित होने वाली है, क्योंकि सीबीआई, ईडी तमाम लोगों की नज़र एसडीएम ज्योति मौर्य पर टिकी हुई है। वहीं दूसरी तरफ एसडीएम ज्योति मौर्य के दोनों बच्चे हैं उन पर जो क्लेम किया जा रहा है उसको लेकर के भी एक बहुत बड़ी खबर आ गई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य के दोनों जुड़वे बच्ची हैं जिनका नाम हंसी खुशी है, वो बहुत ही जल्द अपने पिता आलोक मौर्य के साथ रहने वाली हैं। जी हाँ, उन बच्चियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि माँ मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पिता की याद आ रही है, मुझे पिता के पास भेज दो। बता दें कि जब आलोक मौर्य बहुत दिन पहले एसडीएम ज्योति मौर्य के पास अपने बच्चों से मिलने गए थे तब एसडीएम ज्योति मौर्य ने उन्हें रोक दिया था, उन्हें मिलने नहीं दिया था, उन्होंने कहा था कि बच्चे तुमसे नहीं मिलेंगे। और तभी से आलोक मौर्य भी और उनके बच्चे दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इसके बाद ही आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य का व्हाट्सएप चैट जब देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ पर उनके मारने की साजिश रची जा रही थी। इन सभी चीज़ों के बाद एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ उनके पति आलोक मौर्य ने न्यूज़ का सहारा लिया और आज उन्हें न्याय मिलने की बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत ही कम समय में आलोक मौर्य को न्याय पूरी तरीके से मिल जाएगा। हालांकि बहुत सारे मामलों में आलोक मौर्य को न्याय मिल चुका है, अभी भी कुछ मामले में बचा हुआ है। अब जो सबसे मेन बात यह है कि उनके बच्चे अब उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। एसडीएम ज्योति मौर्य के द्वारा यह हवाला दिया जा रहा है कि जो बच्चे हैं अब वह अदालत के बाद ही मिलेंगे, जब जैसा न्यायालय कहेगा वैसा ही किया जाएगा। लेकिन
लेकिन बता दें आपको कि आलोक मौर्य के वकील का एक बहुत बड़ा दावा निकलकर सामने आ रहा है कि वो बच्चे की कस्टडी पिता को दिलवाने वाले हैं, क्योंकि SDM ज्योति मौर्य के खिलाफ जितने भी तरीके के सबूत मिले हैं उन सभी सबूतों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो यह बात साफ हो जाती है कि बच्चों की सही परवरिश आलोक मौर्य के साथ ही हो सकती है। हालांकि वो दोनों बच्चियां लड़की हैं, इसलिए आलोक मौर्य का एक वीक पॉइंट आ जा रहा है, क्योंकि जब भी लड़कियों की बात होती है, जब भी बच्चे लेडीज़ में होते हैं, लड़की होती हैं, तो उनकी जब कस्टडी की बात होती है तो पहली प्रेफरेंस माँ को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आलोक मौर्य का केस एक ही मामले में कमज़ोर है कि वो दोनों बच्चियाँ लड़की हैं। अगर वो दोनों लड़के होते तो 110% कन्फर्म था कि आलोक मौर्य के पास ही उनकी कस्टडी जाती। लेकिन आलोक मौर्य ने कहा है, हमने ऐसे बहुत सारे सबूत पेश किए हैं जो हमारे पक्ष में हो सकते हैं। दूसरी तरफ मनीष दुबे को लेकर के जो बड़ी खबर यहाँ भी आ रही है कि उनकी पत्नी ने भी SDM ज्योति मौर्य से बात की थी। हालांकि जो ऑडियो लीक हुआ था इसकी पुष्टि कोई नहीं कर पाया, ना यहाँ तक कि हम भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके द्वारा जो ऑडियो रिलीज़ किया गया, जो ऑडियो वायरल हुआ न्यूज़ पर, उसमें साफ तौर पर SDM ज्योति मौर्य को मनीष दुबे की पत्नी ने कहा था कि आपने बहुत गलत किया हमारे पति को फंसा के। एक तरफ मनीष दुबे की पत्नी SDM ज्योति मौर्य को कोस रही हैं, तो दूसरी तरफ आलोक मौर्य मनीष दुबे को कोस रहे हैं। दोनों का घर एक दूसरे की वजह से उजड़ गया और अब दोनों का घर नहीं बसा, क्योंकि यह सब पता चलने के बाद अब तो SDM ज्योति मौर्य को आलोक अपने पास नहीं रखेंगे। दूसरी तरफ अब मनीष दुबे को भी बहुत ही जल्द बहुत बड़ा डिवोर्स का जो पेपर है वो साइन करना पड़ सकता है। जी हाँ, इन सभी प्रकरण के बाद अब मनीष दुबे के ऊपर भी कई तरीके की चीज़ें आने आ रही हैं। हालांकि बता दें कि उनकी वाइफ ने साफ तौर पर SDM ज्योति मौर्य को कहा है कि हमारा परिवार जैसा भी था आपने आकर के उसे बिगाड़ दिया। आप लोगों के अफेयर के चक्कर में हमारे पति हमारे बच्चों के ऊपर क्या गुजरी होगी वो हम ही जानते हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद भी SDM ज्योति मौर्य न्यूज़ के किसी भी चैनल पर कोई भी बाइट देना पसंद नहीं की। हालांकि खबर यहाँ आ रही है कि बहुत ही जल्द कल जैसे ही मंडे को कोर्ट खुलेगा वैसे ही तुरंत सबसे पहले SDM ज्योति मौर्य को हाजिर होना पड़ सकता है, क्योंकि आलोक मौर्य और SDM ज्योति मौर्य के बीच जो केस चल रहा है डिवोर्स का उसके बारे में और जो बच्चों की कस्टडी का केस चल रहा है उसके बारे में सुनवाई हो सकती है। और साथ ही साथ आलोक ने कहा है कि मैं बहुत बड़ा आरोप फिर से लगाने वाला हूँ, FIR करने वाला हूँ कि SDM ज्योति मौर्य ने जो मुझे मारने का प्लान बनाया था व्हाट्सएप पर उसके बारे में भी न्यायालय सुनवाई शुरू कर दें। हालांकि वो मामला फैमिली कोर्ट में नहीं रहेगा, वो मामला दूसरे न्यायालय में जाएगा, लेकिन वो जाएगा ज़रूर और SDM ज्योति मौर्य को कल कोर्ट के सामने पेश होना पड़ सकता है। हालांकि SDM ज्योति मौर्य मनीष दुबे और आलोक मौर्य के बीच जो भी चीज़ें सब हो रही हैं इसके बारे में एक एक पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो एक एक पल की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें और बेटी किसके पास रहनी चाहिए ये बात आप हमें कमेंट करें।